हेलो दोस्तों, 7 किलो हैमर मशीन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें ग्रीस जो है ना, इसमें ऑयल जैसा हो रहा है, उसके बाद मशीन के आर्मेचर से बाहर हो रहा है, तो काम नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। ये मशीन चाइनीज़ कंपनी का मशीन है और इसमें एक समस्या हो रहा है, इसमें ग्रीस बाहर आ रहा है। कंपनी है इलेक्ट्रो स्टार। अभी भी मार्केट में जितने भी 7 किलो हैमर मिल रहा है, सभी चाइनीज़ वाला मशीन है, कंपनी वाला मशीन नहीं है। तो इसमें पेयर पास भी मार्केट में बहुत ही कम है। तो इस मशीन से हम 5 किलो हैमर मशीन में जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ खोज की है, इसमें कुछ सामान मुझे मिला है जो हम मशीन को बढ़िया से बढ़िया रिपेयर कर पाएंगे। 5 किलो जो हैमर मशीन है, उसमें बहुत सारे समस्या हो रहा है, समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने भी बहुत कुछ चीज़ सीखा है यहाँ से। तो मैंने ग्रीस कैप पहले खोल लेता हूँ। तो इसमें गियर को बाहर करेंगे, इसमें यहाँ के जो सेट है ना, सेट को हम खोलेंगे, तो खोल के आपको दिखाएंगे इसमें कैसे खोलना है और उसको कैसे फिटिंग करना है। तो फिटिंग नहीं देखा पाएंगे, तो उसका काम नहीं हुआ है, तो उसको फिर खोलने का वीडियो आपको दिखा देते हैं। उसमें बहुत सारे आपको जो डिटेल्स है ना, डिटेल्स हम बताएंगे। देखिए, इसमें जो कनेक्टिंग रॉड है ना, शार्क क्लिप से लॉक किया गया है। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ की है। 5 किलो जो हैमर मशीन है ना, उसमें एक कनेक्टिंग रॉड बाहर होने से इसमें जो गियर बॉक्स है ना, टूट जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ऐसे नहीं होगा। तो ये मशीन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसको तैयार किया है, तो इसका सोच को हम सैल्यूट करते हैं। तो जो देखो, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना है। तो इसमें शार्क क्लिप जो है ना, इस मशीन में जो भी शार्क क्लिप यूज़ कर, जल्दी खोल नहीं रहा है। मेरे सामान ख़राब हो सकता है, इसी वजह से भी हो सकता है, नहीं तो इसमें जो शार्क क्लिप दिया है, थोड़ा अलग दिया है, तो उसमें कुछ अलग सी शार्क जो लॉक फ्लास है ना, उसी की मदद से हम खोल पाएंगे बढ़िया से। तो मैंने जितने भी मशीन खोलता हूँ, बढ़िया से खोल जाता है, इसमें ऐसे हो रहा है। बड़े वाला जो शार्क क्लिप है, वो भी बढ़िया से मैं खोल नहीं पा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। आपके साथ हम जो सच है वही दिखाएंगे, कुछ काट छाट नहीं करेंगे। तो आप देखिए मेरे को कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, मैं उसको खोल ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरे जो भी शार्क क्लिप होता है ना, इसी से हम खोलते हैं, बड़ी से खोल जाते हैं, इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा बहुत मेहनत लग रहा है इसको खोलने में, मैंने कुछ जुगाड़ इसमें बना के कुछ ऐसे उसको खोले हैं। तो इसमें हम कनेक्टिंग रॉड को बाहर कर लेते हैं। मेरे को एक कनेक्टिंग रॉड देखने के बाद मेरे को लगा, ये तो 7 किलो है हमारे मशीन में, इसमें जो कनेक्टिंग रॉड यूज़ किया ना, 5 किलो मशीन में जो कनेक्टिंग रॉड है सेम है, तो मैं कनेक्टिंग रॉड ले लेता हूँ। मेरे पास 5 किलो का कनेक्टिंग रॉड है, तो वो थोड़ा, ये कनेक्टिंग रॉड कभी टूटता नहीं है। मार्केट में जो कनेक्टिंग रॉड होता है ना, बार बार टूट रहा है, इसी वजह से मैं एक कनेक्टिंग रॉड ऑर्डर दिया था, आ गया था, तो आपको दिखा रहा है। तो ये सेम कनेक्टिंग रॉड है, 5 किलो 7 किलो में जो भी सामान यूज़ किए हैं, बहुत सारे सामान सेम है। तो इसमें कनेक्टिंग रॉड जो है ना, सेम है। तो इसमें जो गियर यूज़ करा वो भी सेम है, इसमें गियर के अंदर जो स्पैंडल यूज़ किया है ना, वो भी सेम है, आर्मेचर सेम है। फील्ड कॉइल मैंने खोला नहीं, बता नहीं सकते, फील्ड कॉइल भी मेरे को सेम ही लगेंगे। और एक चीज़, इसमें दो चीज़ इसमें अलग है, सामने वाला जो सिलेंडर सेट है ना, वो अलग है, उसमें जो पिस्टन यूज़ किया है वो अलग है, और जहाँ पे हम बीट भी डालते हैं ना, वो भी अलग है। इसमें बॉडी भी अलग देखने को लगेंगे, आर्मेचर आर्मेचर सेम है, कनेक्टिंग रॉड भी सेम है, गियर भी सेम है, बैरिंग भी सेम लगेंगे, 6303। तो हमें इसको खोलना है, खोलने के बाद हम आपको देखा पाएंगे। मैं हाई ब्लू प्रेस में उसको प्रेशर दे के खोल रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा डर भी लगा रहता है, मैंने कभी खोला नहीं, तो टूट भी सकता है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो रिस्क तो लेना ही है, टूट जाएगा तो मेरे को देना है, ठीक है, नहीं तो मैं नया मशीन खरीद लेंगे, तो उसको पार्ट उसको दे देंगे, उसके बाद जो भी सामान रहेगा हम दूसरे मशीन को रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसे करके मैं काम सीखता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
जो रियल होता है, जैसे करके मैं काम को सीखता हूँ। उसमें रिस्क भी लेना चाहिए, नहीं तो हम खोल नहीं पाएंगे। तो मैंने कुछ सामान ढूंढ रहा हूँ, उसके ऊपर हम डाल के थोड़ा फेस करके उसको खोल सकते हैं। तो उसमें ओरिजिनल साउंड आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा हाइड्रोलिक जो है प्रेस मशीन है ना, उसमें हाइड्रोलिक जो जैक है हम उसको फिक्स नहीं किया है, इसको खोल सकते हैं। तो ऐसे करके हम काम करते हैं, दूसरे काम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा बाहर आ गया था, तो मैंने जिसमें जो हमें जिसमें जो क्रैंक शाफ्ट है ना, उसको हमें खोलना है। तो इसमें क्रैंक शाफ्ट जो यूज़ किया है वो भी 5 किलो हमारे जैसा ही है, उसमें थोड़ा चेंजिंग है। तो इसमें जो 7 किलो हमारे में जो कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट जो यूज़ किया है ना, वो क्रैंक शाफ्ट बहुत ही अच्छे है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने में क्या फ़ायदा है हम आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे और उसको ऑर्डर भी देंगे, मिल जाएंगे तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मैं थोड़ा फेस किया, बढ़िया से नीचे चला गया है। तो जब उसको खोलते ना, वो मन में थोड़ा डर लगा रहता है, टूट जाएगा तो मेरे को देना है, नहीं तो बढ़िया से रिपेयर करने के बाद उसको हम दे पाएंगे, ऐसे डर होता है मन में। और खोलने के बाद खुशी मिलता है, तो सभी को मिलता है। तो हम उसको नीचे करने के लिए और थोड़ा ऐसे कुछ स्पैंडर की मदद से थोड़े नीचे कर लेते हैं। देखिए नीचे चला गया, उसमें जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड डालते हैं ना, वो थोड़ा नीचे जाना चाहते हैं। मेरा सामान यहाँ पे टच हो रहा है, अंदर तक नहीं जा रहा है। तो मैं दूसरे कुछ सामान लेता हूँ जो उसके अंदर चला जाए बढ़िया से, ऐसे कुछ सामान है इसमें ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम धीरे से प्रेस करने से नीचे चला जाएगा। देखिए हम धीरे से प्रेस कर रहे हैं, मेरा रियल काम होता है, आपको ऐसे नहीं YouTube में देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा जो काम होता है ना आपके साथ वही शेयर करता हूँ। जो हर रोज़ जो काम करते हैं ना आपके साथ, वो एडिट करने के बाद हम शेयर करते हैं। मैं दिखाने के लिए कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मेरा जो रियल काम है आपके साथ वही शेयर करता हूँ। तो मैंने इसको खोल लिया है, तो बड़े से खोल भी गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मैंने गियर और क्रैंक शाफ्ट को हम बाहर किए हैं, तो उसमें हम नया क्रैंक शाफ्ट देखे भी आपको दिखाएंगे। तो इसमें बैरिंग का जो जेड है ना, वो टूट गया है। तो इसको बैरिंग को देख के लग नहीं रहा बैरिंग ख़राब है, तो हम सार्क्लिप की मदद से इसको बैरिंग को बाहर करते हैं। ये सार्क्लिप भी बढ़िया से ओपन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है मेरे को खोलने में। आपको पावर टूल्स मशीन के लिए पावर टूल्स मशीन काम करना है ना, बढ़िया से काम करना, आपको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तैयार करना है तो ख़रीदना है, तैयार करना आपको लिए बेस्ट होगा, ख़रीदना बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, तो अपने हिसाब से तो बनाता नहीं है, तो वो एक जैसा सभी को तैयार करते हैं। तो ऐसे आपको खरीद लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, तो अपने हिसाब से आपको खरीदना है, खरीदना नहीं तैयार करना है। क्यों तैयार करना है, जो आप 2 नंबर का जो पुलर खरीदते हो ना, उसको उसमें जो गैप रहता है गियर को डालने के बाद, वही गैप को आपको देख के उसमें गैप को बनाना है, तो उसके बाद आप बढ़िया से काम कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा आपको। जैसे हम काम करते हैं आप ऐसे काम कर सकते हो। तो मैं साइज बता देंगे, उसमें मैं कितना साइज में उसको तैयार किए हैं।
तो हम कुछ वीडियो में आपको दिखा देंगे, नहीं तो फोटो में दे देंगे, आप देख के तैर कर सकते हो। देखिए कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बड़े से ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें हम कुछ भी काट छाँट नहीं करेंगे, आपको जो सच है वही हम दिखाएंगे, तो आप भी कम सीख पाओगे। ये मशीन किसने रिपेयर किया था? मैंने रिपेयर किया था, मेरे से भी प्रॉब्लम हुआ था, इसमें ग्रीस लिक्विड होने के बाद बाहर आ रहा था। मैंने उसको बोला था, मैंने जो काम करता हूँ मेरे से भी गलती होता है, तो मैं जब भी गलती करता हूँ ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दोबारा मेरे शॉप में लेके आना, मैं देखेंगे उसमें क्या ख़राब हुआ है, मेरे को भी काम सीखना है ना। तो काम सीखने के लिए जो हम करते हैं दोबारा उसको देखना पड़ता है उसमें क्या छूट रहा है, तो इसी वजह से ऐसे बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इसमें बैरिंग हम बाहर कर लिए हैं, कल आपको दूसरे वीडियो देंगे, इसमें बैरिंग कौन सा लगता है, उसमें फिटिंग करने के बाद उसमें क्या रिजल्ट आता है। हम मशीन को कल चलाएंगे, खुद ही चलाएंगे, तो चला के देखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व भी करना है। इसमें बैरिंग हम साफ करके इसमें साइज भी हमें चेक करना है। तो इसमें बैरिंग का साइज तो मेरे को सेम लगा, तो बैरिंग ख़राब नहीं हुआ है, बैरिंग एक प्रॉब्लम हो रहा है, बैरिंग बढ़िया से मूव नहीं कर रहा है। मेरे को लग रहा है इसमें जो बैरिंग है ना, जब भी घूमता है तो थोड़ा अटक रहा है, तो इसमें बढ़िया से नहीं घूमेगा तो बैरिंग थोड़ा हीट होगा, और थोड़ा हीट होने से इसमें जो थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, जिसका मशीन है वो बोल रहा है मशीन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट होने से इसमें जो ग्रीस है ना वो ऑयल जैसा बन रहा है, यही प्रॉब्लम है मशीन में। तो इसमें बैरिंग ख़राब है, तो ख़राब नहीं है, जैम है, हम इसको चेंज करने के बाद मशीन को चला के देखेंगे इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं हुआ है। तो हमें हर वक्त सोचना पड़ता है इसमें क्या हुआ है, तो इसमें क्रैंकशाफ्ट जो है ना, तो इसको हम बढ़िया से साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें जो गियर है वो भी देखे हैं। गियर मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया, मैंने क्रैंकशाफ्ट 5 किलो हैमर में जो क्रैंकशाफ्ट यूज़ होते हैं वो हम ले लिए हैं, तो आप देखिए दोनों क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल सेम है। उसमें जहाँ पे शार्क क्लिप फिटिंग होता है ना, वो थोड़ा इसमें दिए हैं, वो बढ़िया दिया है, उसमें शार्क क्लिप बाहर नहीं होगा, तो 5 किलो हैमर में ये नहीं रहने से इसमें जो कनेक्टिंग रॉड है ना बार बार बाहर हो जाता है, तो इसी वजह से टूट जाता है, इसमें नहीं बाहर होगा। तो हम 7 किलो हैमर का जो क्रैंक शैफ्ट है ना वो ऑर्डर देंगे, मिल जाएंगे तो 5 किलो हैमर में हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे, बढ़िया से चलने लगेगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मशीन देखिए सेम गियर है, गियर तो सेम है, तो इसमें जो भी सामान दिया है ना 5 किलो का है, ये मशीन 7 किलो मेरे को नहीं बोलना है, तो इसी हिसाब से इसको मार्केट में लॉन्च किया है मैंने, इसको जो सोचा है ना, मैंने कुछ सोचा है मशीन को थोड़ा मॉडिफाई किए हैं, 5 किलो का सब कुछ है, इसमें जो पिस्टन है ना पिस्टन को मॉडिफाई किया है, कॉम्प्रेसर को थोड़ा ज़्यादा किए हैं, पिस्टन को बड़े बनाया है, और उसमें सिलेंडर को बहुत ही अच्छे से बनाया है, एल्युमिनियम सिलेंडर बनाया है, उसमें ज़्यादा देर तक चलने से भी हीट नहीं होगा। और वहाँ 5 किलो हैमर में इसमें दो ओरिंग है, देखिए 7 किलो का ओरिंग थोड़ा बड़ा है और 5 किलो का ओरिंग छोटे हैं, और सोमेस्टर कंपनी का ओरिंग है, बहुत ही अच्छे हैं।